स्टोरी की शुरुआत ही अजीब जगह से हो रही है। विक्टोरिया बहन जी ने अपना गुस्से में आगे बैग फाड़ दिया, ये देखो। My bag is broken. Broken or you broke it? I broke बेटा, सुधर जा तू। सुधर जा तू। मैं सुधर जा। तू सुधर जा। अभी मैं बहुत सुधर जा। अभी यहाँ इंडोनेशिया की गलियों में ढूंढ रहे हैं बैग कौन ठीक करेगा। इशारों ही इशारों में बातें हो रही हैं। भाई साहब कैसी कैसी गलियां हैं यहाँ पे, बी केयरफुल। हाँ यहाँ गली में लोकल दर्जी मिल जाना चाहिए। एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड, हु कैन रिपेयर। चाई बलुम्बुका। भाषा नहीं समझ आ रहा है लोगों को यार। देखो यहाँ पे लोग बाग अपना नाइट मार्केट लगा रहे हैं, पूरा ये स्ट्रीट लग जाएगा क्योंकि दो दिन बाद इनका है इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पूरी इस वक्त तैयारी हो रही है सामान वामान बेचने की। हाय बाय बाय बाय। ओ भाई इंडिया इंडिया। यस शाहरुख खान। शाहरुख खान यस। आई एम फैन सलमान खान, यू नो सलमान खान फैन। यस व्हाट इज दिस, बिकॉज पीपल टेक स्कूटर फ्रॉम दिस। इंडोनेशिया का माहौल एकदम इंडिया जैसा ही है। दिस इज द रियल रियल नैरो स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट्स, लोकल स्ट्रीट्स। सी दिस इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। कॉफी? कॉफी नो, वी आर लुकिंग टू रिपेयर द बैग। इंडोनेशिया के लोग बड़े मस्त हैं वैसे तो, स्कैम नहीं करते। मतलब बाली का एक दो इंसिडेंट खराब हुआ, लेकिन जावा में लोग बहुत मतलब टूरिस्टिक नहीं है तो लोकल की तरह बिहेव करते हैं। बस थोड़ा बच के रहना कि मतलब गलत टाइम पे गलत जगह मत होना। बाकी सब बहुत बढ़िया है यहाँ पे, लोग बहुत कोऑपरेटिव है, गुस्सा ही नहीं होते भाई साहब यहाँ पे लोग नॉर्मली। अब नॉर्मली तो कुछ भी हो सकता है। जावा आइलैंड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस आई एग्री पूरा। यार हम लोग लोकल मार्केट में आ चुके हैं इस वक्त, पता नहीं पूरा एकदम कंजस्टेड, भीड़ भड़ाका, मैं भी। अच्छा इतना भीड़ है यहाँ पे, एक चीज़ है हॉन्किंग कोई नहीं करता। और जब मैं इंडोनेशियन से पूछता हूँ तुम इंडिया से, मतलब मेरे से पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ हाँ, बोलते हैं तुम्हारे पीपी क्यों करते हैं यार। मैंने कहा यार ये तो सवाल का जवाब सारा कोई नहीं ढूंढ पा रहा, सरकार नहीं ढूंढ पा रही है। लोगों को शायद मजा आता है हॉर्न बजाने में, यहाँ कोई नहीं करता। एंड व्हाई यू ब्रेक दिस? बिकॉज़ आई वाज एंग्री। एंग्री? यस। यू स्मॉल गर्ल हैव सो मच पावर टू ब्रेक दिस बैग। बैग फाइनली वी फाउंड। फाइनली वी फाउंड? यस आई फाउंड, आई सॉ इट। सो वीका फाइनली योर बैग इज रिपेयर्ड, यू आर हैप्पी नाउ? यस आई एम हैप्पी। सर फाइनली हम लोग बहुत दिन बाद, आज डाइनिंग मिल गई हमको अच्छी। अब कोई नो किड्स विल शाउट, नो प्रॉब्लम, जोकिंग। सो अभी हमने आज मंगाया अफगानी खाना, बहुत टाइम बाद पहली बार शायद अफगानी खाना खा रहा हूँ, जिसमें हमने मंगाई शामी रोटी और एक लिए हमने चिकन करी टोमेटो वाली। तो टुडे फाइनली आफ्टर मेनी डेज वी आर ईटिंग करी एंड ब्रेड फूड, गुड फूड। देखो इसके ड्रामे शुरू हो गए, इसे पेट भर गया हो, खाया ना जा रहा हो। आई हैव फूड कोमा। फूड कोमा? फूड कोमा। यू ऑर्डर दिस, यू हैव टू फिनिश दिस। व्हाट इज दिस? यू ईट, यू बिग, यू मोटा मोटा। मैं मोटा मोटा? तू मोटा है। मैं मोटा हूँ? मैं छोटा हूँ। सुधर जा तू, सुधर जा तू, सुधर जा। इसकी बच्ची की रोटी मैं खाऊंगा। Usually we finish everything, but now we ordered a lot because we were super hungry and this is tasty. ये क्या है सिर पे? Anyway, एक बड़ी गजब की चीज दिखाता हूँ, द एंड्रॉयड iOS इफेक्ट। मैं अभी जिस होटल में रुका हुआ हूँ ना, ये मेरे से ले रहा है लगभग 1000 रुपये एक रात का। ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, कभी 900 होगा, कभी 1100, 900 से 1100 के बीच में शिफ्ट करता है। अब दिखाता हूँ, ऑनलाइन मैं प्राइस चेक कर रहा हूँ, एक वेबसाइट है ticket.com जो इंडोनेशिया में बहुत चलता है। अब मैंने 3 डिवाइस में खोला हुआ है, ये दोनों iOS हैं, ये एंड्रॉयड है। ticket.com के ऐप के ऊपर कीमत दिखा रहा है 228 IDR। ticket.com गूगल मैप में iOS में दिखा रहा है 198 फॉर वन नाइट इंक्लूडिंग टैक्सेस, और एंड्रॉयड में गूगल मैप दिखा रहा है 189 प्लस टैक्सेस। दिस इज एंड्रॉयड iOS इफेक्ट। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो कोशिश करना कमरे या प्राइजेज या फ्लाइट्स आप एंड्रॉयड से चेक करो, iOS से कट सकता है। मेरा बहुत जगह आप लग रहा है, मुझे बहुत कट चुका है पिछले एक महीने में। बुले, 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 बुले।
तो यार अगला दिन हो चुका है, सामने से पड़ रही है कड़ाक कड़ाके की धूप और हमारे चल रहे हैं इंडोनेशिया में आखिरी दिन. यार हैविंग आवर लास्ट डेज इन इंडोनेशिया. यस इट्स लास्ट डे. लास्ट डेज एंड वी डोंट नो. अभी आप देख रहे हो सारे में यहाँ पे झंडे वंडे दिख रहे होंगे ना. ए नोटी बच्चे, हाय यू, हाउ आर यू? आई एम वेल यू. ओ रे वाओ, सारे में झंडे दिख रहे हैं क्योंकि कल इनका है. कल क्या है? कल क्या है? कल क्या है? Tomorrow is the Independence Day of Indonesia. Yes. And we're going to spend it here in Surabaya. So we will show you the celebration, how people cheering up. तो भाई पूरी स्ट्रीट देखो, यहाँ पे झंडे वंडे लगे हैं सारे में. यहाँ पे इनके इंडिपेंडेंस डे से मतलब ये समझ लो कि हम लोग लगभग ऑलमोस्ट वी आर हेयर सिंस लाइक 3 weeks इन इंडोनेशिया और सारे में झंडे लगने शुरू हो चुके हैं. एवरीवेयर फ्लैग्स 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 फ्लैग्स. वो तो ओके कम कम. स्केट. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस फेस्टिवल? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लेट्स आस्क देम व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस? अपा इनी मालम तिरंगकातन. मालम तिरंगकातन. नाइट ऑफ विजिल. नाइट ऑफ विजिल. मालम सुकुरन. मालम सुकुरन. मालम सुकुरन. मालम सुकुरन. Thanksgiving night. Oh. Friday. Friday. Juma. Juma. India. Yes. This is Friday. Friday basically. Friday. Juma chal raha hai. Enjoy. Thank you. Mm-hmm. You know, when you're walking in the local streets, these narrow streets, you can unexpectedly you can meet some people. People are and yes. People are very welcoming also. Welcoming. In this type of. Ah, come, come. What's your name? What's my name? What's your name? यार ये बच्चे पीछे पड़ रहे हमारे. We should buy them chocolates or what? यार इनके झंडे पे एक चिड़िया है जो गरुड़ जैसी दिखती है. पता नहीं मतलब मेरे ख्याल यहाँ भी शायद गरुड़. हाँ तो इतिहास में गरुड़ तो था ही. बिल्डिंग्स देख रहे हो वीडियो में. ये जगह अच्छी खासी डेवलप्ड है क्योंकि सुराबाया एक पोर्ट सिटी है काफ़ी बड़ा इंडोनेशिया के लिए. और यहाँ पे एक और भी हिस्ट्री है, कभी दूसरी वीडियो में बताऊँगा. तो यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है भाई. इतने बड़े बड़े मॉल हैं. मैं एक इतना बड़ा मॉल देखा हूँ. वी विजिटेड सच अ बिग मॉल 3 days बैक. यस यस. इट वाज नॉट एंडिंग अप. Even in Russia, I haven't seen this such big mall. मैंने भी नहीं देखा भाई अब तक इतना बड़ा मॉल. दिल्ली का एम्बियंस भी बहुत छोटा था उसके आगे. कम से कम एटलीस्ट 300-400 फूड आउटलेट्स इन जस्ट वन मॉल. हर जगह का कुजीन था उसके अंदर. दुकानें, शोरूम, ब्रांड, कौन सा नहीं है जो वहाँ नहीं था? कौन सा है जो वहाँ नहीं था? DJI तक का स्टोर खुल रखा है यार. सो नाउ द प्रॉब्लम इज वेयर टू गो नेक्स्ट. व्हाट इज योर आइडिया? व्हाट अबाउट इजिप्ट? इजिप्ट नहीं यार. इजिप्ट मस्ट बी वेरी हॉट नाउ. रशिया? नो नो रशिया. यू वांट टू गो टू चाइना? आई वांट टू गो बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड नाउ. नॉट प्रिपेयर्ड नाउ. यू नो विक्टोरिया, after yes. seeing all the decorations and all, I am missing now Diwali. You know Diwali also have decorations yes. and all. But when is Diwali? Diwali is on 31st, 30 October, around October end. Why not India then? What do you think? We can travel India also, but not with you. Why? Remember last time what happened in Jaipur? I remember. But so, you know, it can happen in every country. See, it depends on you. If you are confident, then... How much you've seen in India? I have traveled to many places, but actually those places don't even count 1%. India is very big. Yes, it's very big actually. But we are not prepared for India. Why do you think we're not prepared? Because festival season actually... I think it can be very good because it's bright. Festivals, so fun. So you want to see festivals of India? Yes, why not? It can be good. But, come here. But, the thing is, the problem is every festival has some special celebration in some special place. Like, it's not like all festivals are good in my hometown. It can be possible some festival is good in Mumbai, some festival is good in Kolkata, some festival is good in Kerala, some festival is good in North India. So, how can we are not prepared for this.
अदरवाइज वी हैव टू ट्रैवल होल इंडिया एंड वी आर नॉट वी हैव नो प्लान फॉर दिस. आई वॉन्ट टू ट्रैवल इंडिया बस आई एम जस्ट यार इसका डर लग रहा है मेरे को, बाकी दिक्कत नहीं है. लोग छः पिछली बार भी दो तीन लफड़े हुए थे, मैंने सोचा है इसको नहीं लाएंगे. लोग बड़े अजीब तरीके से देखते हैं फॉरनर को, स्पेशल लोकल एरिया में, जैसे पता नहीं कि लड़की आ गई क्या हो गया, घूरते रहेंगे. आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू नॉट मी. इंडिया हैज़ एवरी थिंग एक्चुअली. मैनी पीपल आर कमेंटिंग ऑल्सो गो टू इंडिया, गो टू इंडिया एंड आई हैव ऑल्सो नॉट सीन मच इंडिया. आई वॉन्ट टू सी मैनी स्टेट्स, मैनी फेस्टिवल्स. गुड चांस एक्चुअली. गिव मी सम टाइम टू थिंक, गिव मी सम टाइम टू थिंक हाउ मच बजट वी हैव, हाउ मच टाइम वी हैव, हाउ मच वॉट इज अदर प्लान्स इन माई माइंड, इन योर माइंड. लेट्स थिंक, डिस्कस एंड देन वी विल मे बी let's eat and then let's think. Yes, because better to make decision on a full stomach. Hungry stomach can make bad hungry decisions. Stomach can make let's go. ऑफर का फ़ायदा उठा लो कि मेरे से सीखो भाई जान. हम लोग मैकडोनल्ड्स में हैं और यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर था कि ड्राइव थ्रू करोगे तो लगभग 250 रुपये में आपको दो चिकन, दो राइस, दो ड्रिंक मिल जाएंगे. स्टोर ऑफर इज नॉट, स्टोर डज नॉट हैव दिस ऑफर. तो हम बाहर गए, मैं ड्राइव थ्रू से लिया है, अंदर बैठ के खाएंगे. But we are smarter. We need to save so that we can travel more and show you more things, more places. तो भाई साहब डिसीजन हो चुका है, डिसीजन हैज बीन मेड फाइनली. फाइनली हमने सब थोड़ा फिगर आउट किया तो वी कैन ट्राई, वी आर गोइंग बैक टू इंडिया. कमाल की बात है. Yes. Yes? Yes. What? Yes. First we need to figure out flights. It's a festival season. Visa for Victoria, your visa expired. तो इसे कहते हैं चुटकी में डिसीजन लेना. हम लोग हो चुके हैं पूरा रेडी, सामान वान बांध के रेडी, फुल रेडी. रेजी रेजी. विक्टोरिया ने फटाफट पैकिंग किया. मेनी डेज वी वर स्टेइंग हियर एंड भाई यहां पे हम वाज नॉट गोइंग लाइक 7 दिन से हम लोग यहां पे हैं और क्योंकि हम लोग काम भी कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे, काफ़ी लंबा ट्रैवल हो गया था. इसने फटाफट पैकिंग की है सारी बैठ के रात को, जैसे ही हमारे डिसीजन हो गया इंडिया जा रहे हैं, फटाफट हमने सामान बांध लिया, कपड़े वपड़े धो लिए, सुखा लिए. हम लोग ना बाली में भी थे और इंडोनेशिया में भी थे, हम लोग मसाज नहीं करा पाए. 3-4 बार गए बट हर बार कुछ ना कुछ ड्रामा हो गया. कभी पैसे घर रह गए, कभी शॉप बंद हो गई, कभी रिव्यू ख़राब थे पहुँचने के बाद. बैड लक, लेट्स पैक एंड गो. कैन आई टेक वन? यार इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ना इन्होंने यहाँ पे झंडे रखे हुए होटल वालों ने. देखो What is this AKU? Yes. What is the meaning of AKU? Me. Me love Indonesia. I love Indonesia. Yes. Good. See, how is it? Do you like it? So, अपन दोनों बन गए अब I love Indonesia. And again, at the last moment, we are trying to do some things. हम लोग जा रहे हैं. Our style. It's our style. Yes. तो यार फाइनली हमको एक अपॉइंटमेंट मिला है अभी और हमारे लगे हैं यहाँ पे 120 यानी लगभग 650 रुपये पर हेड. देखते हैं कैसा रहेगा, 1 घंटे का फुल बॉडी है. तो यार ऐसा है मसाज रूम हमारा, एकदम डेंजर वाला फीलिंग आ रहा है. और देखते हैं कैसा रहेगा, करने के बाद एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. A few moments later. Yeah, you enjoyed? Yes, luckily जिस लिफ्ट में जा रहे हैं उसमें हमारे थेरेपिस्ट भी हैं. थेरेपिस्ट, right? Yes, you are with therapist. तो यार इंडोनेशियन थेरेपिस्ट. मजा आ गया भैया, मैं तो enjoy. It's very relaxed. Thank you. Before long journey. I'm sorry. तो यार हमारी जर्नी को, मेरी जर्नी को स्पेशली नाम मिलना चाहिए दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा. 3:34 हो चुके हैं और guys hiding. Yes, this will be very long journey, so now we are prepared and relaxed. बहुत लंबी जर्नी, हमने मसाज ले ली, रिलैक्स हो गए. Yes. Now we can go. Now we can do this. This will be. No, but still. I think more than 1 day of journey. More than 1 day, it's more than 2 days. Oh wow. Today, tomorrow, day after tomorrow. Yes. और भाई साहब मतलब क्या बताएं, मतलब. Wish us luck. 3:35 हो गए. 4 बजे की ट्रेन है, टैक्सी में बैठे, खाना ऑर्डर किया, वहीं पहुंचेगा, खाना रिसीव करके ट्रेन पकड़ लिया, पता नहीं कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी. और ट्रेन के 4 घंटे बाद ही फ्लाइट है. इफ यू मिस दिस ट्रेन, वी मिस एवरीथिंग. वी मिस एवरीथिंग. ओके बाय. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. या थैंक यू. ओके फाइनली फर्स्ट टाइम लास्ट मोमेंट पे सारे काम हो गए. Everything solved out at last moment. Was smooth last moment. We don't know yet. We have not to in Russia. Okay. Wait. Let's enter the train first. Wait for it. Help me. There are many things, huh? Take it. Okay. मिल बांट के काम करो भाई साहब. दोनों साथ घूम रहे तो साथ बांटते हम काम. इंडोनेशिया की ट्रेन में देख लें कैसी है. सुना है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रोवाइज हैं, लेट नहीं होती यार, कमाल की बात ही है. टिकट थोड़ा मुझे महंगा लगा सीट के हिसाब से. अगर मैं इंडिया के शताब्दी जन शताब्दी से कंपेयर करूं तो टिकट महंगा है थोड़ा सा. मारांग जकार्ता ट्रेन
Oh, they will print the ticket. Yeah. Line two. Oh, good system. Thank you. Line two. ये सही है भाई साहब, पूरा एयरपोर्ट जैसा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने. Thank you. पूरा फ्लाइट वाला सिस्टम है. See, this train station is really train good. Station is good. It's very see? Clean. Two. अरे भाई, ट्रेन क्रॉसिंग कितना तगड़ा है. I like this crossing. This is the train, ना? Yes, this is the train. भाई साहब, मजा आ गया. चाइना जैसा सिस्टम है थोड़ा थोड़ा, मुझे अच्छा लगा. दिस इज 9, वी नीड टू गो 6 बिजनेस क्लास. इंडोनेशिया की ट्रेन देख के सच में चौंक गया मैं. इतना डेवलप्ड, इतना एडवांस सिस्टम है यहाँ पे. 6 दे हैव, वाह, सीट इज गुड फॉर टू पीपल. तो यार अब देखो, आप सीट सारी एक तरफ है ना, लेकिन इसमें एक सिस्टम और है कि आप इस सीट को घुमा सकते हो और दो सीट एक दूसरे की फेसिंग हो जाएंगी. तो हम क्या करेंगे, हम दो सीट खाली पड़ी हैं तो मिला के अपना बना लेंगे. देखो कैसा होता है. शो मी अभी, शो. डोंट ब्रेक इट. नो नो नो. तो ऐसे बंद करोगे एंड इट शिफ्ट टू दिस साइड. ये सही सिस्टम है यार, ये मुझे सबसे बेस्ट सिस्टम लगा इंडोनेशिया ट्रेन का. और अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हो तो एक दूसरे के आमने सामने बैठ सकते हो. जैसे हम मिला के एक दूसरे पे अभी सोएंगे सीट के ऊपर मिला के. और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मस्त मुझे इनका ट्रेन क्रॉसिंग लगा जो मैंने दिखाया. और एयर कंडीशन यहाँ पे ऐसे अलग से दे रखे हैं ट्रेन के अंदर, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है. बाहर जाके ट्रेन का टूर देता हूँ कैसी है. टॉयलेट वॉयलेट भी देखते हैं कैसे हैं इनके. भाई मेरे को सबसे मस्त चीज़ अब तक की ट्रेन क्रॉसिंग लगी यार. पुल पार ही नहीं करना है, बीच में ही प्लेटफॉर्म पे गैप दे दिया, इनसे तरह की क्रॉस कर लो. बेस्ट चीज़ है. साफ़ सफाई बहुत है यार. मैं भी, हो सकता है सूरावाया बहुत बड़ा स्टेशन है इसलिए साफ हो, पर जो भी है मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ बेस्ट. यस, 6 यस. टेल मी वन थिंग, ट्रेन गेट्स लेट ऑल्सो और नो? यू कैन स्पीक इंडोनेशियन? नो. इज इट गोइंग ट्रेन? नो नो नो. 6 and 5. Yes. Yes. Tell me one thing. Is there a chance for train to get late? Indonesian. Apakah kamu ingin berada terlambat? No. Because Jakarta flight. No. Okay. Good. Very good. Very good. Time on time. So, yar, humko ab you are ticket checker, or pilot. कंडक्टर. सो यार ये टिकट चेक कर रहे हैं, उन्होंने बताया ट्रेन लेट ही नहीं होती है, मतलब ही नहीं है बिजनेस क्लास वाली ट्रेन में. एक साधारण भी चलती है लोकल ट्रेन, उसमें चांसेस हैं. देखते यार मुझे मजा आने वाला है. ट्रेन मुझे पसंद है, ट्रेन भाई, ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है मुझे. यहाँ पे एंट्री पे ही टॉयलेट दिया हुआ है. ये इनका टॉयलेट है, साफ सुथरा एकदम मस्त बढ़िया. सब सोप वगैरह, सोप वॉशिंग बेसिन सीट सब डस्टबिन सब साफ सुथरा है तक. स्टिल यहाँ पे एक और चीज़ मस्त दिखाता हूँ कि एयर कंडीशनर के बगल में टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है. आप अपने डिब्बे वाले एसी का टेम्परेचर आसपास के लोगों से सहमति लेके सेट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ इट विल बी व्हेन इट मूव्स, बट आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट ट्रेन्स इन एवरी कंट्री. मी टू, आई प्रेफर मोर ट्रेन्स देन बसेस. व्हाट इज दिस लाइन ऑन मी? इट्स सन. यस, I prefer trains. Trains are safe, buses. Faster, yes. More space. No traffic jam. No suffocation. Yes. Oh. Go fly. ऐसे हो रही है ट्रेन में दावत. तो यार मुझे एक चीज़ बड़ी ख़राब लगी, छोटे स्टेशन पे उतरने के लिए प्रॉब्लम है. चढ़ना तो आसान है, यहाँ से ऐसे चढ़ जाओ उस पे से, लेकिन अगर कोई अंदर से उतरेगा ना तो उसके लिए मुसीबत है भाई. देखो ऐसे या ऐसे जंप करो, तो गैप इज बिग. छोटे स्टेशन पे हो सकता है कुछ इंतजाम ना हो. विक्टोरिया छोटी सी है ना, सीट पे फिट हो गई आराम से. मेरी हाइट लंबी है, मैं नहीं फिट हो पा रहा यार. देखो लेते हैं ट्रेन के सफ़र के मजे. 3 घंटे हो चुके हैं, अभी भी 7 घंटे की जर्नी बची है. काफ़ी लंबी जर्नी है, 10-10.5 घंटे की जर्नी है लगभग. रात को 2:15-2:20 बजे के आसपास ट्रेन पहुँचेगी जकार्ता. जर्नी बहुत हेक्टिक और बहुत मज़ेदार होने वाली है, बने रहना लास्ट तक. मम्मी का फ़ोन आया था परसों के, भाई क्या प्लान है, फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं, आना ही नहीं आना है, मतलब कब आना है, या आगे कौन से कंट्री जा रहे हो? मैंने कहा यार मम्मी अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, देखो अभी 1-2 दिन बाद बताता हूँ. एक दो दिन बाद डायरेक्ट घर पे धप्पा करेंगे.
तो यार जर्नी आधी ख़त्म हो चुकी है, सेम रंग आ चुका है और ये बड़ा स्टेशन है इसलिए प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया, उतरने का प्लेटफॉर्म दे दिया। ये झंडा उतरेगा रात के 12 बजे के बाद, यार काम आएगा ना, लोकल लोग से इंटरेक्शन करने में उनको लगेगा हम तो इंडोनेशिया के देशभक्त हैं। एनीवे जर्नी अच्छी है, अब तक तो पीसफुल है, शांति की, ट्रेन पूरा खाली पड़ा है। अब बज गया रात का 2, अभी ट्रेन परफेक्ट टाइम पे एकदम, कोई एक सेकंड का आगे पीछे नहीं है भाई साहब, मतलब इट सेटिंग अ गुड एग्जांपल ऑफ ट्रेन पंचुअलिटी इन एशिया। और अभी हमारा स्टेशन भी आने वाला है 15 मिनट बाद, ट्रेन खाली हो चुकी है, खाली ही थी, कैन फिट इट इन माय बैग। ट्रेन स्टेशन इज गुड भाई साहब, गजब बना हुआ है, साफ सुथरा। वेलकम टू एयरपोर्ट। हाँ 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 यार एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, पूरा लूप में बना हुआ है, ऐसे ऐसे सारे गेट्स हैं, ABCDEF, मैंने मतलब ऐसा टाइप का लूप एयरपोर्ट पहली बार देखा। इट्स ब्यूटीफुल जगार्ड एयरपोर्ट, आई थिंक दिस इज द मेट्रो। यस, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4:30, तो मेट्रो यूज़ नहीं कर पाए बदकिस्मती से, 1.5 घंटे बाद और फ्लाइट होती तो हम बहुत आराम से मेट्रो से आते, मेट्रो का एक्सपीरियंस करते हुए। लेट्स गो। यार एक मज़े की बात बताओ, हम लोग इमिग्रेशन पे हैं और इसका है रशियन पासपोर्ट, इसका वो अंदर घुस घुस के खोल खोल के चेक कर रही है, मेरे इंडियन पासपोर्ट देखते स्टैम्प, भाई ये तो पहली बार हुआ है। ये तो जनरली मेरा इंडियन पासपोर्ट मतलब इंडियन पासपोर्ट थोड़ा ज़्यादा चेक करते हैं। टिंग टांग टिंग टिंग टांग टिंग, मोर देन 18 आवर्स वी आर ट्रैवलिंग। यस नाउ अभी तो नॉट इवन हाफ वे, वी आर नॉट इवन हाफ वे। सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 9 और हम लोग पहुँच चुके कुआलालंपुर। वेलकम टू कुआलालंपुर, नॉट अ ग्रेट वेलकम, स्लीपी वेलकम। बहुत नींद आ रही है, अभी जाते हैं कहीं कहीं जगह लेके, आई थिंक दिस नो है, कहीं जगह लेके साइड लेके अपना सामान सेट करते हैं और वी हैव अ लेवर ऑफ अराउंड 10 आवर्स। यार हम लोग इंडिया की फ्लाइट में बैठ गए, लगभग अभी ऑलरेडी हमको 24 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करते हुए हो चुका है, वी ऑलरेडी ट्रैवल मोर देन 24 आवर्स कंटिन्यूसली। टायर्ड, हंग्री, खाना आई एम फीलिंग लाइक वी फील आई विल वॉमिट व्हेन वी इफ इज समथिंग, बिकॉज फास्ट फूड के अलावा ऑप्शन नहीं मिल रहा है कोई ढंग का। इंडिया में विल फाइंड सम रोटी दाल। अभी पहुँचते हैं अमृतसर, 6 घंटे की फ्लाइट है, 6 आवर्स फ्लाइट। It's like from Russia to India. It's like from Russia to India. Moscow to Delhi. Moscow to Delhi. Aeroflot, yes. तो ढंग से अभी सो जा और रात को नहीं सो पाएंगे, ठीक है? रात को बस में जाना पड़ेगा तो नींद नहीं आ पाएगी। ये बॉय। समझ में आया? समझ में आया। Welcome to India, Vika. Welcome to India. At 10 p.m. in the night. I am sorry that I could not give a good welcome to you. Running welcome. You still have time to welcome me. Tomorrow. Tomorrow, yes. हमने मम्मी को बता रखा है कि अभी तो एक दो महीना और घूमने हैं, हमने दिवाली तक आएंगे। ये विक्टोरिया भी हंस रही है यार, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर पे लोग कूद रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, मतलब इंडिया के बाहर इतने में डिपोर्ट मार देते हैं यार, थोड़ा लोग हमारे यहाँ तमीज से या लाइन ऑर्डर में नहीं रहते। लेट्स गो ग्रीन चैनल, पास इट। तो यार अभी नया चैलेंज शुरू हो गया हमारे लिए कि हमको यहाँ से रात को ही बस पकड़ के घर पहुँचना है, क्योंकि कल दिन में अगर कल दिन की ट्रेन पकड़ी तो फेस्टिवल निकल जाएगा राखी। और अभी हमको बस पकड़नी है यहाँ से चंडीगढ़ की, एसी वॉल्वो देखते हैं मिलती है तो, नहीं मिली तो लग जाएंगे भाई। तो यार अभी बैठे हम लोग हल्दीराम में, रास्ते में हमारा उबर का ड्राइवर बोला भैया रुक के खा लो पहले आप, बस स्टैंड कुछ नहीं मिलेगा, और बोला है उबर पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में खड़क रहा है कि ये लफड़ा में कन्वर्ट ना हो जाए, बिकॉज विक्टोरिया इज हैप्पी टू सी भटूरा। तो सो बिग, यस यार रात को लफड़ा नहीं चाहिए टैक्सी वाले के साथ, 11 बज रहा है, थक वैसे रहे हैं। आर यू हैप्पी विद इंडियन फूड? वेरी मच हैप्पी। तो यार हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी कैमरा ऑन रखने वाले हैं जब तक पंजाब से बस पकड़ के आउट नहीं हो जाते। बाकी हम लोग टैक्सी ड्राइवर का भी डर लग रहा है बकचोदी ना मारे, कि एक्चुअली वो हमें एक रेस्टोरेंट के सामने उतार दिया यहाँ खा लो, हमने कहा ठीक है देखते हैं कैसा होगा, और उसके पीछे हल्दीराम था तो हमने हल्दीराम पे खा लिया, क्योंकि रेट भी रिजनेबल है और क्वालिटी का भी एश्योरेंस रहता है कि गड़बड़ नहीं होगा। बोला है कि ऊबर चार्ज ही नहीं बढ़ाता।
I don't want lafda in the night, man. Why? I don't know why it always in my life. Always in my life. Maybe, I don't know why. Maybe nothing will happen. Ah. Call him. Let's wait. He's coming. Maybe he went to toilet. आ जाओ गाड़ी के पास खड़े हैं भाई साहब. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्नी ऐसी हो जाएगी. बस में बैठे हैं प्राइवेट में. बंदा स्कूटी देके हमको यहाँ तक छोड़ के गया है. अब ये पता नहीं कब चलेगी कब पहुँचेंगे कुछ नहीं पता यार. टैक्सी कर रहे थे यार. टैक्सी महंगी थी और ऐसी ऑफलाइन एक बंदा बता रहा था भरोसा नहीं है कौन है कैसे है कहाँ का है क्या रास्ते में लफड़ा ना हो जाए. ऊबर टैक्सी तो बहुत महंगी है 6,000 की है यहाँ 6,500 की है यहाँ से चंडीगढ़ की. ये बस हमको पड़ी 700 रुपये पर हेड. बस ठीक है बस लेट ना हो जाए वही डर है. लेट्स गो. सो नाउ वी आर गोइंग टू रुकी सिटिंग ऑन द बस फ्रंट. विक्टोरिया फर्स्ट टाइम सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट. फाइनली 1 आवर लेफ्ट. आई एम वेटिंग सो मच. जस्ट 1 आवर लेफ्ट. यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है यार. मतलब कोई ऑप्शन नहीं है और ट्रैवल करने का. लोकल टैक्सी सिस्टम है ही नहीं कोई. लास्ट 2 आवर्स वाज लास्टिंग लाइक 5 आवर्स बिफोर दैट. रियली? यस. Too tiring in these buses. But I think you should experience this also. Our style. Experience. Oh, it's more than 42 hours of journey. Oh my God. It's the longest journey in my life. Yes, finally we are reaching home. अभी रिक्शा की हमने. और अभी still 2 minutes है. What? Yes. Let's see the parents' reaction. मेरा कुछ नहीं. मेरा डर लग रहा है. I'm scared. Okay. यार पीछे के गेट से आ रहे हैं गली में से ताकि सामने से कुछ देख ना ले हमको मम्मी या सफाई करते हुए. धप्पा धप्पा. ओ भाई खुश रहो हमारे. ये बंद कर रखा है रिकॉर्ड करने के लिए. दिख नहीं रहा है कुछ. तो यार हम लोग अभी नहा धो के बैठे हैं सो के उठ के आराम से 2-4 घंटा. एंड हाउ वाज योर स्लीप आफ्टर लॉन्ग टाइम. स्लीप वाज गुड बट नीड मोर स्लीप. हां फाइनली अभी हम लोग को लगभग 1 महीने बाद घर का खाना मिल रहा है. होम फूड. रोटी दाल दही